तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छी होंगे। एंड आज की इस वीडियो में यार हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर गेमिंग मॉनिटर्स के ऊपर। 10,000 रुपये के बजट के अंदर जितने भी बेस्ट जो यहाँ पर गेमिंग मॉनिटर्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड जितने भी मैं यहाँ पर मॉनिटर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। डायरेक्टली आप अमेजोन से जाकर वो ले सकते हैं। सभी गाइस मैं मॉनिटर आपको गाइड कर दूंगा कि यहाँ पर अगर आप प्रोडक्टिविटी का टास्क कर रहे हैं, मतलब एडिटिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए कौन सा मॉनिटर बेस्ट है। गेमिंग मॉनिटर गेमिंग की करते हैं तो गेमिंग के लिए कौन सा आप लेंगे, कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा। डिस्कशन करेंगे यहाँ पर IPS, TN एंड VA पैनल के ऊपर, कौन से आपके लिए सुटेबल रहेंगे पैनल एंड कौन से पैनल की कितनी फीचर्स हैं और क्या उनकी क्वालिटीज होती हैं, इन सभी के बारे में यार डिस्कस करेंगे। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा यार जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है या फिर वो नया मॉनिटर लेना चाह रहे हैं तो उनके साथ शेयर करिए एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए गाइस, वॉच टाइम दीजिए, ताकि यहाँ पर चैनल मेरा ऊपर हो सके एंड मैं आपके साथ और ऐसी वीडियोज़ को शेयर कर सकूँ। तो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले मॉनिटर की तरफ गाइस, जो कि है व्यू सोनिक की तरफ से आने वाला 24 इंच का मॉनिटर। एंड गाइस इस ब्रांड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने इसका नाम काफ़ी कम ही सुना होगा, लेकिन इसकी मैंने यहाँ पर डिटेल ली थी। ये कैलिफोर्निया की एक ब्रांड है गाइस व्यू सोनिक, एंड ब्रांड भी काफ़ी अच्छी है ये मॉनिटर्स के मामले में। अब गाइस इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। 75 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है इसके अंदर एंड IPS पैनल के साथ गाइस ये मॉनिटर आता है। एंड गाइस इसके अंदर आपको स्पीकर्स भी मिलते हैं इंटीग्रेटेड। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसके पैनल की तो IPS पैनल है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो IPS की यहाँ पर अगर हम बात करें तो IPS के जो कलर्स होते हैं गाइज वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मोर रियलिस्टिक कलर्स होते हैं IPS पैनल के। एंड इसके अगर हम व्यूइंग एंगल्स की बात करें तो व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे होते हैं अदर पैनल से TN और VA के मुकाबले। एंड गाइज अगर आपको प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग दोनों करनी है तो आप इस मॉनिटर के साथ जा सकते हैं। एंड गाइज इसके अगर हम प्राइस की बात करें तो 9,000 रुपीज़ के अंदर ये मॉनिटर आपको मिल जाता है। अब गाइस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन सा मॉनिटर आपके अकॉर्डिंगली आपके लिए सही रहेगा। तो गाइस पढ़ते हैं अपने सेकंड मॉनिटर की तरफ जो कि आता है LG की तरफ से। एंड गाइस इसकी अगर हम बात करें तो 21 इंच का ये मॉनिटर है, 1080p फुल HD मॉनिटर है, 75 हर्ट्ज़ का इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, HDMI मिलता है। एंड गाइज अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको AMD का फ्री सिंक भी मिलता है, इसके अंदर कोई भी आपको डिस्प्ले पोर्ट नहीं मिलता है गाइज, VGA एंड HDMI पोर्ट ही आपको इसके अंदर मिलता है। IPS पैनल के साथ गाइज ये मॉनिटर आता है। एंड LG अगर मैं बात करूँ तो LG काफ़ी अच्छी ब्रांड है एंड काफ़ी नाम है इस ब्रांड का और मॉनिटर भी काफ़ी अच्छे आते हैं LG की तरफ से। एंड गाइज ये भी एक IPS मॉनिटर है एंड प्लस 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है इसके अंदर। तो गाइज गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों आप इससे कर पाएंगे अगर आप बिल्कुल ही गेमिंग करना चाहते हैं। एंड गाइज और हाई FPS चाहते हैं, रिफ्रेश रेट चाहते हैं, मतलब कि 144 हर्ट्ज़ चाहते हैं, तो वो इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये 75 हर्ट्ज़ तक ही आपको इसमें रिफ्रेश रेट जो है वो सपोर्ट होगा। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल रेटिंग की, तो यहाँ पर 4.4/5 की इसकी रेटिंग आपको मिलती है एंड काफ़ी अच्छा ये मॉनिटर है। एंड अगर हम इसकी व्यूइंग एंगल्स एंड जो कलर एक्यूरेसी की बात करें तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये IPS मॉनिटर है गाइस, IPS पैनल आपको इसके अंदर मिलता है। एंड गाइस इसकी भी अगर हम प्राइस की बात करें तो मिलता है ये 10,000 रुपीज़ के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको इसके रेस्पॉन्स टाइम के बारे में बताऊँ तो 5 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम आपको इस मॉनिटर में सपोर्ट मिलता है LG के इस मॉनिटर के अंदर, जो कि आपको व्यूसोनिक के अंदर नहीं मिलता है। मतलब कि अगर हम समझें तो 6 to 7 मिलीसेकंड का रेस्पॉन्स टाइम आपको गेमिंग के अंदर आपकी अचीव होगा। बढ़ते हैं अपने थर्ड मॉनिटर की तरफ। तो गाइस हमारा थर्ड मॉनिटर है वो आता है BenQ की तरफ से, 24 इंच का ये मॉनिटर है, फुल HD मॉनिटर है, लेकिन आपको 60 हर्ट्ज़ इसके अंदर मिलते हैं। ये भी गाइस IPS पैनल ही है, इसके अंदर आपको फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है एंड 4 मिलीसेकंड का इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स टाइम देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन गाइस 60 हर्ट्ज़ तक ही ये क्लॉक है। अगर आपको कोर ही गेमिंग है, आपका गेमिंग ही करनी है एंड रिफ्रेश रेट भी आपको ज़्यादा चाहिए तो इसमें आपको वो नहीं मिल पाएंगे। अगर आप प्रोडक्टिविटी का टास्क कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो यू कैन हैव दिस मॉनिटर। एंड इसका अगर हम प्राइस की बात करें तो ये भी 9,000 के अंदर ही आता है। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है एंड व्यूइंग एंगल्स हैं वो अच्छे ही हैं क्योंकि ये IPS पैनल है। 4.4/5 की इसकी रेटिंग है एंड जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस 9,000 रुपीज़ है। बाकी ओवरऑल ये मॉनिटर जो है वो काफ़ी सही है अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है। अगर कोर आपका गेमिंग है गाइज, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर आपका कोर गेमिंग है तो आप नहीं लेंगे इस मॉनिटर, आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि 60 हर्ट्ज़ का ही मॉनिटर है, 60 हर्ट्ज़ से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, ये 60 हर्ट्ज़ से ऊपर नहीं जाता है इसका रिफ्रेश रेट। 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने बजट को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, यहाँ पर आता है Acer की तरफ से मॉनिटर, Aopen 24 इंच का ये मॉनिटर है। एंड गाइज अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 12,000 रुपये का आपको मिलता है। इसके अंदर आपको 1080p सपोर्ट है ये मॉनिटर, VA पैनल है इसका। अब बात कर लेते हैं VA पैनल की, तो VA पैनल गाइज IPS के
थोड़ा सा कम होता है कलर्स के अंदर, कलर एक्यूरेसी आईपीएस से थोड़ी कम होती है इसकी। एंड व्यूइंग एंगल्स इसके, अगर हम टीएन पैनल से बात करें, टीएनएल से थोड़े अच्छे होते हैं इसके व्यूइंग एंगल्स। तो गाइज इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलता है गाइज इस मॉनिटर में। ये गेमिंग मॉनिटर ही है, 144 हर्ट्ज़ का आपको डिस्प्ले का मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है वो मिलता है। एंड इसके अंदर आपको डिस्प्ले पोर्ट भी मिलता है देखने के लिए, एंड एएमडी का गाइज फ्री सिंक भी इसके अंदर मिलता है। तो डिस्प्ले पोर्ट आप लगाएंगे तो एएमडी का फ्री सिंक आपको यहाँ पर सपोर्ट होगा एंड 144 हर्ट्ज़ तक ये अचीव करवा सकता है आपको। एंड ये गाइज एक कर्व्ड मॉनिटर है, तो कर्व्ड की ज़्यादातर लोगों को आदत नहीं होती है, अगर आपको आदत होती है तो मैं तो यहाँ पर जैसे कि आप पीछे डिस्प्ले में देख रहे होंगे कर्व्ड इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। मैं लेकिन सोच रहा हूँ बदलने की मॉनिटर को, बाकी आपके ये स्पेसिफिकेशंस और आपकी नीड के अकॉर्डिंग है। ये गाइस अगर हम बात करूँ तो ये गेमिंग मॉनिटर पूरा कोर गेमिंग मॉनिटर है, वीए पैनल आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है, आईपीएस नहीं है, आईपीएस जैसी कलर एक्यूरेसी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसके अंदर अचीव करवा देगा वीए पैनल भी। एंड 144 हर्ट्ज़ तक ये ज़्यादा है गाइस, प्राइस मैंने आपको इसको बता ही दिया है। तो गाइज अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि आप कौन सा मॉनिटर आपको लेना चाहिए, तो यार मेरा सजेशन होगा एलजी का मॉनिटर जो कि है 21 इंच का। ऐसा मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि गाइज एलजी का जो मॉनिटर है वो एक आईपीएस पैनल भी है, प्लस इसके अंदर 75 हर्ट्ज़ का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं क्योंकि आईपीएस पैनल है गाइज। एलजी एक रिनोन ब्रांड भी है एंड आप प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग इसके अंदर दोनों कर पाएंगे, प्लस ये आपके बजट के अंदर भी आता है 9000 रुपीज़ का। एंड अगर आपका कोर ही गेमिंग है एंड आपको प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत ही करनी है लेकिन आपको गेमिंग ज़्यादा करनी है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एसर का ओपन ए ओपन जो कि 12000 का है, जिसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का जो है वो रिफ्रेश रेट अचीव होता है, प्लस इसके अंदर आपको एएमडी का फिनिशिंग भी मिलता है एंड एचडीएमआई और डिस्प्ले पोर्ट भी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं एंड कोर गेमिंग की तरफ है। आईपीएस पैनल नहीं मिलता, वीए पैनल मिलता है, लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है गाइज। आईपीएस से थोड़ा सा ही कलर को आपको एक्यूरेसी को कम कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वरना इसकी जो कलर एक्यूरेसी है काफ़ी अच्छी होती है एंड व्यूइंग एंगल्स भी इसके आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यार अगर आप प्रोडक्टिविटी एंड गेमिंग दोनों करना चाहते हैं एंड बजट के अंदर लेना चाहते हैं मॉनिटर, तो एलजी का 21 इंच का जो मॉनिटर है आपको ये लेना चाहिए, जिसके अंदर आपको आईपीएस पैनल मिलता है प्लस 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड अगर आपका कोर ही गेमिंग है एंड आपको रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए एंड मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी आपको कम चाहिए, तो आप एसर का ए ओपन मॉडल है जो मैंने आपको बताया 12000 रुपीज़ का, आप इसकी तरफ जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलता है प्लस 4 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम मिलता है एंड ये आपके लिए गेमिंग के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइस यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड करें इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।